फाइनली दोस्तों मी बाई 11 किलोमीटर हम लोगों को देखने को मिल गई है। जैसा कि दोस्तों मैंने कल ही आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि मी बाई 11 की फुल फीचर्स को आप लोग अपने मी बाई 10 की डिवाइस में कैसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों फाइनली आज एक और नई फीचर्स, नई ऑप्शन निकल के आ गई है, नई लॉन्चर निकल के आ गई है, मी बाई 11 की लॉन्चर हम लोग को देखने को मिल गई है। दोस्तों इसे भी आप लोग अपने मी बाई 10 की डिवाइस में यूज कर सकते हैं। जैसा दोस्तों मैं अभी अपने K20 Pro में MIUI 10 की डिवाइस MIUI 10 वर्जन में यूज कर रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को MIUI 10 देखने को मिल जाती है, और मैं MIUI 10 में दोस्तों इस वाले MIUI 11 के लॉन्चर को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सेटिंग में जाकर यहाँ पर ऐप वर्जन दिखा देता हूँ तो आप लोगों को अल्फा वर्जन देखने को मिल जाती है, 4.12 वर्जन देखने को मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या नया फीचर्स हमें देखने को मिलती है। और डाउनलोड लिंक दोस्तों मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उससे पहले दोस्तों आप प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहे ताकि आप लोगों को सारे फीचर्स इसमें जो जो मिले हैं वो आप लोगों को मालूम चल जाए, उसकी जानकारी आप लोगों को, उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिल जाए। सब्सक्राइब कीजिए ओनीटॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर पाइए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है वैसे वैसे हम लोग को MIUI 11 की अनलॉक्ड फीचर्स देखने को मिल रही है, हिडन फीचर्स अपने MIUI 10 की डिवाइस में देखने को मिल रही है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप सबको एक ऐसे फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ, यानी MIUI 11 की फीचर्स के बारे में बताने वाला, MIUI 11 लॉन्चर के बारे में दोस्तों बताने वाला हूँ, जिसमें हम लोग काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन और बहुत ही एंटिक फीचर्स दोस्तों इसमें देखने को मिली है। तो अब कुछ फीचर की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ पर 3D की सपोर्ट तो पहले से ही देखने को मिलती है, 3D टच की सपोर्ट तो पहले से ही देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों अब इसमें हम लोग को एक नई सपोर्ट देखने को मिल गई है। अब यहाँ पर हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से उसकी APK को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं किसी एप्लीकेशन पर लॉन्ग टच करूंगा यानी 3D टच करूंगा, तो वहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे ऑप्शन 3D इफेक्ट एंड 3D एनिमेशन देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शन देखने को मिल जाती है शेयर की। अब इस शेयर करने के बाद दोस्तों हम लोग इस एप्लीकेशन की APK को डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आपके शेयरिंग एप्लीकेशन है वो आप उसकी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग जहाँ भी चाहे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दोस्तों आप लोग कहीं भी उस APK को शेयर कर सकते हैं। मान लिया मैं अगर इस आइकन पर क्लिक करता हूँ, टेलीग्राम पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर इसकी APK को यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ, कहीं भी दोस्तों मैं इसे शेयर कर सकता हूँ। तो दोस्तों मैं किसी भी आइकन पर अगर लॉन्ग टैप करूंगा तो उसके 3D इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों हम लोग यहाँ पर शेयर पर जाएंगे, शेयर पर जाने के बाद हम लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, और दोस्तों फिर हम यहाँ पे APK को यहाँ पे ओके करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे APK यहाँ पे शेयर हो रही है। तो हम लोग किसी भी एप्लीकेशन की, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की APK को यहाँ पर डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। किसी भी कॉन्टैक्ट को अगर आप चाहते तो इसे शेयर कर सकते हैं। कर दिया टेलीग्राम चैनल दोस्तों मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये लिंक देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके इस लिंक को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं सेटिंग्स में ले जाकर आप लोग को दिखा देता हूँ इस लॉन्चर की वर्सन, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को सिस्टम लॉन्चर देखने को मिल जाती है, वर्सन है अल्फा। ये अल्फा स्टेज में दोस्तों 3 स्टेज होती है, अल्फा, डेवलपर और स्टेबल। तो जो अगर आप लोग बीटा रोम को यूज करते हैं अपने फोन में तो आप लोगों को डेवलपर वर्सन देखने को मिलेगी, और अगर आप लोग अल्फा रोम को यूज करते हैं, जैसे दोस्तों मैं अभी अपने फोन में एंड्रॉइड क्यू वाली अल्फा रोम को यूज कर रहा हूँ K20 Pro में, तो अगर आप लोग मेरे K20 Pro की एंड्रॉइड क्यू वाली वीडियो नहीं देखा दोस्तों, तो उसकी लिंक मैं वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर आई बटन में डाल दूंगा दोस्तों, तो आप लोग एंड्रॉइड क्यू वाली वीडियो देख लेना, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एंड्रॉइड क्यू में क्या क्या नया फीचर देखने को मिलती है, और एंड्रॉइड क्यू की फर्स्ट लुक मैं आप लोगों को दिखाया हूँ बेस्ड ऑन MIUI। तो जरूर से दोस्तों आप लोग उस वीडियो को देख लेना। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को थीम यहाँ पर डिफॉल्ट थीम अप्लाई करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कन्फर्म हो जाए कि मैं किसी थीम वगैरह को नहीं यूज कर रहा हूँ मैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने इस लॉन्चर के सेटिंग्स में और यहाँ पर मोर पर जाएंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों एक नई ऑप्शन देखने को मिल जाती है यहाँ पर होम ड्रॉअर की, होम स्क्रीन की दोस्तों विद ऐप ड्रॉअर। पहले दोस्तों जब पहली बिल्ड इसकी हम लोग को देखने को मिली थी तब दोस्तों ये वाली ऑप्शन यहाँ पर हम लोग को चाइनीज में देखने को मिलती थी, लेकिन दोस्तों अब फाइनली इस वाले ऑप्शन को भी यहाँ पर ला दिया गया है, इंग्लिश वर्सन अब दोस्तों हम लोग को देखने को मिल जाती है। और दोस्तों ये लॉन्चर आपको ग्लोबल वर्सन में भी काम करेगी और चाइनीज वर्सन में भी काम करेगी, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ग्लोबल लॉन्च में अगर इसे यूज करते हैं तो आपके फोन में होम स्क्रीन वाली सपोर्ट देखने को नहीं मिली। मेरे रेडमी नोट 7 प्रो की डिवाइस में दोस्तों ये देखने को नहीं मिली। अगर आप लोग किसी ग्लोबल लॉ में इसे यूज करते हैं और आपके फोन में ये ऐप ड्रॉअर की सपोर्ट देखने को मिलती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मेरे कैसे मुझे देखने को नहीं मिली, लेकिन चाइना रोम में, चाइना बीटा में दोस्तों देखने को मिली है और काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसके दोस्तों मैं आपको यहाँ पर स्वाइप अप करके दिखाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग को ऐप ड्रॉअर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो आपको ऐसा लगा कि मेरे फोन में यहाँ पर पोको लॉन्चर देखने को मिलती है, तो जी नहीं दोस्तों, यहाँ पोको लॉन्चर नहीं है। पोको लॉन्चर में यहाँ ऊपर हम लोग को यहाँ पर कैटेगरी वगैरह देखने को मिलती है, और पोको लॉन्चर की सेटिंग दोस्तों यहाँ पर हम लोग को डिफरेंट देखने को मिलती है। मैं अगर फिर से आपको लेकर दिखाता हूँ डिफॉल्ट लॉन्चर दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कहीं भी पोको लॉन्चर देखने को नहीं मिलती है। तो चाइनीज रोम में, चाइनीज
K20 प्रो में या K20 में हम लोग को पोको लॉन्चर नहीं, MIUI लॉन्चर देखने के लिए लॉन्चर है, MIUI 11 से एक्सट्रैक्ट करके आई है। और दोस्तों यहाँ ऐप ड्रॉअर में हम लोग को यहाँ पर अल्फाबेटिक ऑर्डर भी देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन हम लोग को अल्फाबेटिक वाली फीचर्स देखने को मिल जाती है। और नीचे दोस्तों हम लोग यहाँ पर सर्च ऐप की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है, यानी दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर सर्च देखने को मिल जाएगी एप्लीकेशन, और अगर वो एप्लीकेशन आपके फोन में नहीं है दोस्तों तो आप यहाँ पर सर्च ऑनलाइन भी करके यहाँ से सर्च कर सकते हैं। देख सकते हैं हम लोग यहाँ से ब्राउजर ओपन हो गई है, लेकिन यहाँ पर जैसे दोस्तों अभी चाइनीज रोम को मैं अपने फोन में इंस्टॉल किया हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पर चाइनीज वाली वेबसाइट ओपन हुई है। और दोस्तों किसी भी आइकन पर हम लोग लॉन्ग टैप करेंगे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर गैलरी वाली एप्लीकेशन को हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को ऐप इन्फो की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर प्ले स्टोर पर दोस्तों सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग को माई ऐप्स की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। अगर सिक्योरिटी में दोस्तों जाएंगे हम लोग तो सिक्योरिटी में भी ऐप इन्फो की सपोर्ट देखने को मिलती है। और अगर फोन में जाते हैं दोस्तों तो फोन में देख सकते हैं यहाँ पर ऐप इन्फो सेंड स्कैन बिजनेस और न्यू कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैसेज में जाएंगे हम लोग मैसेज में हम लोग को यहाँ पर ऐप इन्फो की सपोर्ट देखने को मिलती है। अगर क्रोम में टैप करते हैं तो क्रोम में दोस्तों यहाँ पर ऐप इन्फो शेयर और यहाँ पर न्यू टैब इनकॉग्निटो मोड की ऑप्शन देखने को मिल जाती है दोस्तों। तो किसी भी आइकन पर आप लोग लॉन्ग टैप करके उसकी इंटरनल फीचर्स को 3D टच को इसके देख सकते हैं और 3D टच को इनेबल कर सकते हैं। और अगर वेदर की दोस्तों बात कर लेते हैं तो वेदर में हम लोग काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाती है, शेयर ऐप इन्फो 24 आवर के फोरकास्ट देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और ये 4 डे वेदर भी यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आप लोग को यहाँ अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप लोग को सिंपली अपने एक APK डाउनलोड होगी आपके फ़ोन में, उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने में दोस्तों आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।